कांग्रेस नेता उदित राज के फिर बिगड़े बोल, सुप्रीम कोर्ट को लेकर की आपत्तिजनक टिप्पणी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट को बताया ब्राह्मणवाद के घेरे में, आरक्षण के खिलाफ फैसला वापस लिया जाए, उदित राज ये मांग कर रहे हैं। फैसला वापस नहीं लिया तो आगे तक लड़ी जाएगी लड़ाई। क्या कांग्रेस नहीं करती न्यायपालिका का सम्मान, क्योंकि उदित राज कांग्रेस के नेता हैं। आज मार्च निकाला गया है आरक्षण बचाओ रैली पर, हमारे साथ मौजूद है उदित राज जी, हमारे साथ कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, आरक्षण के मुद्दे पर बात करेंगे। इन्होंने एक मार्च निकाला, सर आपने ये मार्च निकाला है उस पर आप क्या कहेंगे? मार्च है सुप्रीम कोर्ट के 7 फरवरी 2020 के फैसले के खिलाफ और उत्तराखंड सरकार का जो स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 7 फरवरी 2020 पक्ष रखा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, अतः सरकारें चाहे तो लागू करें या न लागू करें, उनके खिलाफ ये हमारा आज मार्च था। और हमारी मांग है कि वो जजमेंट निरस्त हो और आरक्षण नवी सूची में रखा जाए, ताकि बार बार न्यायपालिका जो छेड़छाड़ करती रहती है न करे और SC ST OBC का उच्च न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए। पर जिस तरीके से आप सर सवाल उठा रहे हैं, सर सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं, सर सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से आप सवाल उठा रहे हैं उस पर कह रहे हैं कि उसमें सिर्फ ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा हो। परम क्या है, जनेऊ पालिका है सुप्रीम कोर्ट, हम लोग तो कहते ही हैं चूंकि एक विशेष जात के लोगों का ही है वहाँ पर प्रतिनिधित्व। आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पर न्याय व्यवस्था ठीक नहीं रही, आप ये कह रहे हैं न्याय व्यवस्था ठीक नहीं रही? नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर डायरेक्ट सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ की न्याय व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वहाँ पर ब्राह्मण जज बैठे हुए हैं, कब्जा करके रखा हुआ है, और इन्होंने आरक्षण बचाओ का मार्च निकाला हुआ है। यहाँ पर हमने उनसे बात करी, कैमरामैन विवेक के साथ मैं पढ़ा दीक्षित, R9 TV उत्तर प्रदेश।